नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 31 जनवरी, कल है हमारा यूनियन बजट, कल आने वाला है बजट। और बजट आने से पहले ही बहुत सारे एप्रिहेंशंस होते हैं, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि टैक्स में कितना रिबेट मिलेगा, आम आदमी के लिए बजट में क्या होगा, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से। इस तरह की बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं बजट के प्रेजेंट होने से पहले ही। इस सेशन में मैं इस तरह की कोई बात आपके साथ नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करूंगी थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, एंड देन वील टॉक अबाउट सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अ इंडियन यूनियन बजट। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज से। तो यूनियन बजट 2023-24 प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ऑन 1 फरवरी, यानी कल आएगा ये बजट। और एनुअल बजट स्पीच जो डिलीवर की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसके अलावा 14 बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे यूनियन बजट के। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण जी का ये 5वां स्ट्रेट बजट है आने वाले फिस्कल ईयर के लिए। फिस्कल ईयर देखिए, एक होता है कैलेंडर ईयर जो कि शुरू होता है 1 जनवरी से और चलता है 31 दिसंबर तक। अभी हमने न्यू ईयर्स मनाया है ना। फिस्कल ईयर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सरकारों के परिप्रेक्ष्य में होता है, जहां पर बजट अकाउंटिंग इस तरह की चीजों के लिए इसका निर्धारण किया जाता है। और हर देश का अलग अलग फिस्कल ईयर हो सकता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का जो फिस्कल ईयर इस साल मतलब चल ही रहा है हमारा, तो इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2023-24। तो इस साल के लिए, आने वाले साल के लिए बजट आने वाला है हमारा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का, मोदी जो गवर्नमेंट है उनका ये आखिरी फुल बजट होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस भी होने हैं। तो 2024 में जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट आएगा ना। पिछले दो बजट्स की तरह ये बजट भी पेपरलेस फॉर्म में डिलीवर किया जाएगा, और इसमें इंक्लूड किया जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि मेन बजट डॉक्यूमेंट होता है ना। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या दिया जाता है। इट गिव्स दी स्टेट द एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड रिसीट्स क्या होंगी, और एक्सपेंडिचर्स कितनी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, रिसीट्स कितनी आएंगी सरकार के पास, एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे सरकार के ऑफ इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये सब इसमें कंक्लूड किया जाता है। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन परस्पेक्टिव से भी देखेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLIFE10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी, मैम व्हाई अनअकैडमी, क्यों जुड़े अनअकैडमी से? देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू चेंज योर कोर्स, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, यानी कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस कितनी बार भी देख सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, लाइव मेंटोरशिप, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आरंभ बैच शुरू हो रहा है और इस आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 2024 के लिए आप एट अ वेरी वेरी गुड डिस्काउंटेड प्राइस, जहां पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है विद माई कोड NDLIFE10। आज रात 12 बजे से पहले तक आप इसको अवेल कर सकते हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हमें समझना होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि बजट का मेन डॉक्यूमेंट है। AFS होता क्या है? देखिए, अगर हम संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें भारत की, तो बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, रादर आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 संविधान का कहता है कि इट रिक्वायर्स अ स्टेटमेंट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट मेंशनिंग द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जिसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज काइंड ऑफ बजट, जिसको हम आम भाषा में बजट बोल देते हैं, ठीक है, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। एनुअल फाइनेंशियल बजट स्टेटमेंट जो होती है ये तीन पार्ट्स में डेटा को शो करती है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है कंटिंजेंसी फंड, तीसरा है पब्लिक अकाउंट। इन तीनों को समझना जरूरी है, अलग अलग आर्टिकल्स मेंशन है जिसके बारे में मैं यहां बात नहीं कर रही हूँ आपसे। सो कंसोलिडेटेड फंड की अगर हम बात करें तो इसमें सभी रेवेन्यू रिसीट्स, जो भी रेवेन्यू आएगा सरकार के पास, रिसीव जो भी रिसीट्स जो भी हैं उसके बारे में बात होती है, लोन जो रेज किए गए हैं या फिर जो रिसीट्स आई हैं फ्रॉम द रिकवरी ऑफ लोन, जो लोन्स गए थे उससे जो रिकवरी हुई है, इन सब को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसमें कंसिस्ट दिस इट इज मतलब इट फॉर्म्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट इस फंड का इस्तेमाल करती है अपने सभी एक्सपेंडिचर्स के लिए, और कोई भी अमाउंट इसमें से विड्रॉ नहीं किया जा सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, संसद की अप्रूवल के बिना कोई भी अमाउंट इसे विड्रॉ नहीं करते हैं। तो बेसिकली जो भी इनकम आ रही है ना उसकी बात है, उसी से फिर एक्सपेंडिचर हो रहा है। कंसोलिडेटेड फंड की अगर मैं बात करूं,
समझ लीजिए आप, जो भी रेवेन्यू रिसीट हुए हैं सरकार को, रिकवरी हुई है लोन्स की, उसके बाद जो भी खर्चे हो रहे हैं, और जो भी पैसा खर्च किया जाएगा, जो भी अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, वो पार्लियामेंट के अप्रूवल की बिना नहीं किया जा सकता। दूसरा है हमारा कंटिजेंसी फंड, इसको सिंपल भाषा में इमरजेंसी फंड की तरह आप देख सकते हैं, जो कि इस्तेमाल किया जाता है सरकार के द्वारा कभी कोई अनफोर्सिन एक्सपेंसेस हो जाए। आपने आपने प्लान नहीं किया है उसको, लेकिन सडनली कुछ हो जाता है, सडनली कोविड केम इन, इट वॉज नॉट प्लान कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कहीं पर कैलामिटी आ जाती है, कुछ ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे अनफोर्सिन एक्सपेंसेस के लिए ये बेसिकली डिस्पोजल पर होता है राष्ट्रपति के। भारत के यूनियन बजट 2021-22 में जो प्रपोज कॉर्पस था कंटिजेंसी फंड का, उसको इंक्रीज कर दिया गया था 500 करोड़ से 30,000 करोड़ तक, ठीक है। तीसरा है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में फंड्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस जो कि संबंधित होती हैं स्मॉल सेविंग से, प्रोविडेंट फंड्स, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि रोड डेवलपमेंट एक्सेट्रा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन, या इस तरह की चीजों के लिए। पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है फॉर विड्रॉल फ्रॉम दिस अकाउंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। सिर्फ पब्लिक अकाउंट सरकार का अकाउंट नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, एंड इसको वापस पे करना होता है टू द पर्सन एंड अथॉरिटीज जिन्होंने इसको डिपॉजिट किया है, सेविंग्स हैं, जो पीएफ होते हैं, इस तरह से खर्चा किया, लेकिन इसको वापस भी करना होता है फिर जिनका आया हुआ है, दैट्स पब्लिक अकाउंट। नाउ ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ मजेदार फैक्ट्स हैं। जैसे कि इंडिया का पहला बजट अगर हम बात करें, तो भारत का सबसे पहला बजट जो आया था वो प्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1860 में, लेकिन पहला यूनियन बजट आजाद भारत का प्रेजेंट किया गया था नवंबर 1947 में, देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर आर के सन्मुखम शेट्टी के द्वारा, ठीक है। पीएम जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है, तो जहां ये ट्रेडिशन है कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं, वहीं कुछ अपवाद भी हैं, जहां पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कुछ प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपने टर्म्स में बजट को प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। इसके अलावा पहला पेपरलेस बजट, तो पहला मतलब कोविड-19 पेंडेमिक के ऑनसेट को ध्यान में रखते हुए सीतारमण, निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया था अपना पहला पेपरलेस बजट इन 2021, तो ये तीसरा पेपरलेस बजट है। मिनिस्टर्स टू प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट की अगर हम बात करें, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के पास ये रिकॉर्ड है, जहां पर उन्होंने प्रेजेंट किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट 10 बार ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज दी फाइनेंस मिनिस्टर, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। पहली महिला टू प्रेजेंट दी बजट, तो यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्होंने यूनियन बजट प्रेजेंट किया था, शी वॉज दी पीएम। निर्मला सीतारमन बिकेम दी सेकेंड वेमेन टू प्रेजेंट इंडियाज यूनियन बजट। ब्लैक बजट, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, तो यूनियन बजट जो कि प्रेजेंट किया गया था फिस्कल ईयर 73-74 के लिए, 1973-1974 के लिए, उसको ब्लैक बजट का नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बजट डेफिसिट था, और ₹550 करोड़ दैट वॉज रिकॉर्डेड एट दैट टाइम 73-74 सेवेंटीज में, इसलिए इसको ब्लैक बजट का नाम दिया गया था। इसके बाद रेल बजट की बात करें अगर, तो पहले क्या होता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा ओनली, रेल बजट सेपरेट प्रेजेंट किया जाता था सरकार के द्वारा, ठीक है, लेकिन 2017 में इसको मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट के साथ, मतलब एक कंबाइंड बजट बना दिया गया, क्योंकि तो रेलवे का अपने आप में बहुत बड़ा बजट आता था, तो अलग बजट आता था, बट देन 2017 के बाद से ये फिर से कंबाइन होकर यूनियन बजट का ही हिस्सा बन गया। टाइमिंग ऑफ द बजट सेशन की अगर हम बात करें, तो पहले बजट प्रेजेंट किया जाता था लास्ट वर्किंग डे पे फेब्रुवरी के, जो भी आखिरी वर्किंग डे होता था। हाउएवर हमारे लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इसको चेंज करके कर दिया था 1 फेब्रुवरी, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका ईयर कब से इसको चेंज करके 1 फेब्रुवरी किया गया, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही, बिकॉज हम एक एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर बड़ी सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे हलवा सेरेमनी एंड लॉक इन प्रोसेस की बात करें, तो ये कस्टमरी इवेंट होता है जिसको हलवा सेरेमनी, कुछ भी नया शुरू करने से, शुभ करने से पहले मीठे का सेवन किया जाता है ना, तो हलवा सेरेमनी होती है जो कि हर साल होती है बिफोर द लॉक इन प्रोसेस यूनियन बजट से पहले, जहां फाइनेंस मिनिस्टर बिगिन करती हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन दी हलवा प्रिपरेशन। हलवा प्रिपरेशन होता है, फिर सर्व किया जाता है डेजर्ट टू देयर कलीग्स। इसके बाद लॉक इन प्रोसेस होता है जहां पर जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं बजट की प्रक्रिया में, इसके प्रिपरेशन में, उनको बजट प्रेस में ही रहना पड़ता है इन दी नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उसकी सीक्रेसी मेंटेन की जा सके, वो लीक ना हो।
लॉन्गेस्ट बजट स्पीच की अगर हम बात करें तो ये भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी करंट है मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने ही लॉन्गेस्ट बजट स्पीच डिलीवर की थी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट 2020। अराउंड 2 घंटे 42 मिनट तक इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच सॉरी अभी तक की। सो आई होप आपको ये फैक्ट्स मजेदार लगे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बैचेस शुरू हो चुके हैं 27 जनवरी से दोस्तों, एनसीईआरटी बैचेस एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस आपको मिल रहे हैं। 3 महीने में आपकी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर कराई जाएंगी। अभी एनरोल कर लीजिए, लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल हियर। ओल्ड राजेंद्र नगर में सेंटर खुल गए हैं, अन अकेडमी का यूपीएससी सीएससी के लिए, जहां पर आपको ऑफलाइन के साथ फुल एक्सेस मिलेगा प्लस और टेस्ट का भी। दिस इज द प्राइस, बैचेस 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं मंडे टू सैटरडे। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।